अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। खमीरा गौज़बान का नाम आपने सुना होगा। गौज़बान क्या है, कैसे इस्तेमाल होते हैं, क्या फ़ायदे हैं, ये आपको बताने जा रहे हैं। ये वीडियो मुकम्मल सुने और सी एस डायरी को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। गौज़बान का मतलब होता है कि गाय की ज़बान की तरह के पत्ते। तो जो गौज़बान का पौधा है ये खुद रो है और मालाकंड खैबर के एरिया में ये पाया जाता है। ये उगता है, इसके पत्ते जब गाय की ज़बान की तरह होते हैं और इसको जब दवा इस्तेमाल करते हैं दवाई के तौर पर, या इसके फूल इस्तेमाल करते हैं या पत्ते इस्तेमाल करते हैं। अगर फूल करेंगे इसे 2 से 3, अगर इसके पत्ते करेंगे तो 5 से 6। इसके मिजाज है तारगरम, आज ये आपकी सोजश उतारता है और इसके फ़ायदे बेबहा हैं। ये मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म मुख्तलिफ हालतों में पाया जाता है। खमीरे की सूरत में जब बनाते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि आप एंगजाइटी, डिप्रेशन, मुफरे कल्ब, इस मकसद के लिए आप दे रहे हैं। और गौज़बान का आपको अरक भी मिल जाता है। जब अरक का लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपके अंदर की जो हिद्दत है, पीले अजरकान है, जिगर की तेज़ी है, तहरीक है, यूरिक एसिड है, तबई कोलेस्ट्रॉल है, आंतड़ी की सोजश है, घबराहट है, मेदे की जलन है, वो उस मकसद के लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। खैर, ये जो इसको बनाते हैं खमीरा गौज़बान के नाम से आपको मिल भी जाता है। उसके अलावा ये इसका मिजाज क्योंकि तार गर्म है तो ये सोजश उतारने, आपके अंदर की जो सोजश है बेहतरीन है। ये आप कह लें कि कैंसर के इब्तदाई दर्जात तक ये मुफीद है, अल्सर में मुफीद है, इब्तदाई दर्जे में कैंसर के इब्तदाई दर्जे में मुफीद है। यूरिक एसिड कम करेगा, खून की हिद्दत कम करेगा, ब्लड प्रेशर नीचे ले आएगा, आपका गुस्सा नीचे ले आएगा, आपकी एंगजाइटी कम करेगा, आपका डिप्रेशन कम करेगा। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। ये प्यास बुझाता है, मुफर कल्ब है, कि बस सिर्फ हैज़ा की सूरत में ना लें, या आपको इन्फेक्शन हो गया, आपको उल्टियाँ आ रही हैं, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, या ख़वातीन हैं और हमले हैं उनमें पानी पीती हैं तो वो उल्टी आ जाती है, तो उस सूरत में ना लें। उल्टी आना या आपको असाबी मिजाज हो जाने की वजह से, ब्लड प्रेशर लो हो जाने की वजह से जब आपको चक्कर आ रहे हों, उस सूरत में आपने नहीं लेना। अदरवाइज़ आप इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके मिजाज के लिए किस तरह का सफ़ूफ होना चाहिए, किस तरह का मजून होना चाहिए, किस कंपनी का होना चाहिए, हम कैसे बनाते हैं, ये तफसीलात हमारी स्क्रीन पे दी गई नंबर पर आप ढूंढ के हमसे रब्ता करके अपने मिजाज के मुताबिक ये मालूमात ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया।